मंदसौर में डॉक्टर को रेप के केस में झूठा फंसाने वाली गैंग का किया अफजलपुर पुलिस ने खुलासा। एक महिला सहित दो पुरुष गिरफ्तार। रेप केस में फंसाने की धमकी देने पर पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला, उसके बेटे और भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डॉक्टर को फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख की मांग कर रहे थे। मंदसौर ग्रामीण SDOP कीर्ति बघेल ने बताया कि अफजलपुर थाना क्षेत्र के सिहोर गाँव में फरियादी मंगल सिंह देवड़ा निजी डिस्पेंसरी चलाता है। आरोपी महिला रामीबाई उर्फ श्यामाबाई, पति शिवलाल मालवीय निवासी बरुखेड़ा जिला रतलाम, इसका बेटा कमलेश मालवीय और भाई चौथमल पिता बगदी राम चौहान निवासी लसूड़िया थाना सीतामऊ के साथ इलाज के करवाने के बहाने डॉक्टर मंगल देवड़ा की डिस्पेंसरी पर पहुंची थी। यहां चेकअप के बाद महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उसके साथ रेप किया है। आरोपियों ने पुलिस थाने में रेप केस में मामला दर्ज न करवाने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। फरियादी ने इसकी शिकायत अफजलपुर पुलिस को की। इसके बाद आरोपी महिला, उसके पुत्र और भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना अफजलपुर के ग्राम सिहोर में मंगल सिंह देवड़ा फरियादी, ये थाना उपस्थित इन्होंने रिपोर्ट की है कि एक महिला इनके क्लिनिक पर इलाज कराने के आई, उसके बाद उसके भाई और बच्चे के द्वारा इस तरीके का घटनाक्रम बनाया गया कि महिला के साथ जो है मंगल सिंह देवड़ा द्वारा बलात्कार का घटनाक्रम किया गया है और इसके एवज में कि अपराध पंजीबद्ध ना करे 5 लाख के रुपए की मांग रखी गई थी। इस संबंध में फरियादी थाना पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया गया, जिसमें वर्तमान में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इन आरोपियों द्वारा पहले भी किसी के साथ में ऐसी कोई घटना की गई है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।